इवेंट पे मैं उतर गया हूँ भाई, इवेंट पे उतरा हूँ, साथ मेरे नंबर 4 है भाई। टेंशन किस चीज़ की है, फिर इतना प्रो प्लेयर मेरे साथ आ रहा है नंबर 4। उसके बाद यहाँ पर जी काफ़ी बंदे उतर गए हैं अभी, प्लेयर्स इन अरीना 7 आ रहा है, 7 बंदे उतरे हुए हैं भाई। सामने एक बंदा है, इसको मैं उड़ाऊँगा अभी, देखना ज़रा। ये नंबर 4 के पास जा रहा है पे बन के, इसको मैं पीछे से ठा, चल मेरा पता छुपी कर। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इधर जाता है कि यहाँ पर हमको फिर फुटस्टेप्स आते हैं और अंदर बंदा आया था, हम इसको मारते लेकिन ये भाग के चला जाता है, फिर हम इसको दोबारा मारते हैं और यहाँ से मेरे साथ बड़ी बुरी होती है। वो यहाँ छुपा होता है, मुझे पता नहीं होता वो कहाँ है। अब फिर थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, मज़े से बैठा होता है, इसको मैं फुल किल करता हूँ। उसके बाद मैं मज़े से अपनी लूट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं उतरता हूँ, रिकॉल होके आता हूँ, ऊपर से एकदम बंदा बैठा होता है यार, उन्होंने ड्रैगन का मुंह दिया है, बंदे को समझ नहीं आती कहाँ से आ रहा है। फिर मैं रिकॉल होकर आया, यहाँ पर मैंने इसको उड़ाया, और अभी देखना मैं दोबारा उधर इवेंट पे गया, यहाँ पर वही बंदा था जिसने मुझे मारा, यहाँ पर मैंने उसे उड़ाया, उसका टीममेट एक और था, वो देखें वो भी वहाँ पे लूट कर रहा था। मैं उसके वो उस तरफ गया उसको रिवाइव करने के लिए, मैं पीछे से यहाँ जा रहा था, वो वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैं यहाँ छुपा हूँ, उसके बाद वो भी आगे आएगा पीओ बन के मुझे मारने के लिए। अभी देखना उसके पास M762 है और आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, उड़ा गया, उड़ गया, उड़ गया मेरा, आप उधर छुट्टी कर। पहले M762 से उसके पास M762 से अगर वो मारता तो मैंने मार जाना था। यहाँ पे वो पीओ बना, उसने कहा है कि उसके पास SMG है तो मैं भी SMG निकालता हूँ वेक्टर, इसलिए मरा। अगर मुझे M762 की एक गोली भी लग जाती ना तो भाई मेरे यहाँ पे अंतिम संस्कार हो जाता था। इसके बाद इन दोनों को मैंने उड़ाया, थोड़ी सी लूट किया। उसके बाद यहाँ बोट आ गया भाई, बोट कैसे मैं छोड़ सकता हूँ बताओ मुझे ज़रा, कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, आपको दिखाना भी तो होता है ना। फिर इतना मैं प्रो प्लेयर मार रहा हूँ बोट। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे ग्रेनेड मारता हूँ, इसको देखना ज़रा, इसको मज़े से मारता हूँ। ये पड़ा बन के आता है साइड से मेरे को मारने के लिए, फिर अब्बा तो अब्बा ही होता है ना। अभी देखना छुट्टी आ रहा है मेरा पुत्र, दबाओ। अब इसके पास आगे हम ज़रा इसको प्यार से किल करेगा एक ही एम से, फिर हम इसकी लूट करता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस खोते के ऊपर बैठ के निकल जाता है, खोता नहीं भाई, तमीज़ अर्तुल गाजी का घोड़ा को। उसके बाद हम यहाँ पे एक बंदा मारता है, उसके पास एक एम होती है, इसको मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से किल करता हूँ भाई, मेरी कहाँ पर टांग होती है, पीछे नंबर 4 नॉक होता है। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं नंबर 4 से, पंगा ले रहा होता है इसके साथ, पंजे के साथ हम इसको उड़ाएगा, इसको किल किया। उसके बाद यहाँ पर जी हमारा थोड़ा सा मांगा जाता है कि हमारा बंदा यहाँ पर पानी के पार हो जाता है, लेकिन वो डायनासोर जो होता है वो हमें बीच में ही छोड़ देता है। उसके बाद हम दोबारा उसके ऊपर बैठ के धक्का मारता है उसे, चल मेरा पुत्र अगे लग। उसके बाद यहाँ पर एक और घर में बंदा होता है, इसको हम यहाँ पर बड़ी टेक्निक से मारता है, मोली करता है सेकेंड फ्लोर वाली खिड़की पर। अभी ये देखना यहाँ पर करे है मैंने, मुझे लगा कि वो पीछे भाग के चला जाएगा कमरे में, लेकिन उसकी भी ऐसी कॉम्प्लेट आ गई कि उसने भी पीछे जाने का सोचा भी नहीं, और वो यहाँ पे नॉक हो गया। फिर हम ऊपर जाने लगा था कि हम इसको प्यार से किल करेगा, लेकिन उतनी देर तक वो बेचारा वैसे ही मर गया, सिर्फ एक मुक्का मारा मैंने और वो मर गया, सैड लाइफ। उसके बाद यहाँ पर जी हम थोड़ा सा आगे जाता है कि इधर बंदा होता है हमारे पास और हम इसको फिनिश करता है पूरा, और उसके बाद हम जी रिकॉल होकर आता है, रिकॉल होकर हम आया। और उसके बाद यहाँ पर यार बड़ा बुरा होता है मेरे साथ, मैंने यहाँ नंबर 4 को रिकॉल करना होता है और यहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है, वो पूरा स्क्वाड होता है। अभी देखना यार बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ, यहाँ पर मैंने एक बंदा मारा है, नॉक किया है, यूज़ ही थी मेरे पास सिर्फ 25 गोलियाँ थी, यहाँ पर मेरी फुल कॉम्बैट टांग रही थी क्योंकि भाई वो पूरा स्क्वाड था। उसके बाद यहाँ पर वो इधर खड़ा होता है, उसका टीममेट होता है वो लेफ्ट साइड पर खड़ा होता है, इधर खिड़की से मुझे मार सकता है, इसलिए मेरी फुल कॉम्बैट टांग रही है यहाँ पर, मैंने इसको मारा है और इस तरफ से मुझे AKM की फायरिंग हुई है और मेरे को फुल डैमेज मिला है। और यहाँ पर अभी देखना वो आ रहा है, मैं इधर OK से मारता हूँ, लेकिन यार 25 गोलियाँ होती हैं सिर्फ मेरे पास और मैं यहाँ पर घूम फिर रहा होता हूँ और वो मेरे को M416 से उड़ा देता है। उसके बाद ये जी नेक्स्ट मैच है, यहाँ पर हम M24 से बोट मारता है भाई, मैंने कहा है बोट मैंने नहीं छोड़ना, बोट आपको मैंने ज़रूर दिखाना है कि आपको पता चले किस मुश्किल हालात से मैं इन प्रो प्लेयर्स का सामना करता हूँ। ये देखो एक पहला बोट मार गया, इतनी मुश्किल से मैंने मारा, देखो फिर अब सलाम करो मेरी इतनी मेहनत पे, मैंने देखो बोट मारा M24 से। उसके बाद जहाँ पर हम 2 किल हो जाते हैं मुफ्त में, उसके बाद हम बैठता है अपने इस बड़े बड़े ड्रैगन पे, इसको मैं कहता हूँ कि गाड़ी मैंने चलानी है, लेकिन ये खोती का मेरी बात ही नहीं सुनता और यहाँ पर मज़े से घूम फिर होते हैं, फिर आगे जाके मैं इसे ले लेता हूँ। यहाँ पर देखना मैंने कैसे किल करता है ड्रैगन से, अभी यहाँ पर मैंने एक यहाँ गाड़ी पे ऊपर चढ़ाया था और यहाँ पे एक नॉक हो गया था, मैंने इसको मारा है। अभी ऊपर से ना कोई उड़ के आ रहा है, ये देखना ये आया उड़ के, ये नंबर 3 को उठा के ले गया है, नंबर 3 लगा था कि मुझे उठा के ले गया, मैंने कहा खोती के तो फिर पैराशूट से छलांग मार दे, पैराशूट खुल जाएगा। आगे जाके नंबर 3 ने छलांग मार ही देता है, वो पैराशूट उसका खुल जाता है, उसके बाद उसके पीछे से वो भी छलांग मार देता है, पैराशूट उसका भी खुल जाता है,
यहाँ से फिर हम उसके ऊपर अपना ड्रैगन चढ़ाने की कोशिश करता है और हमारा ड्रैगन जो होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है। उसके बाद हम इसको फिनिश करता है कि इससे पहले पहले हम उसको फिनिश करें, यहाँ पर एक और बंदे आए थे हैं। अभी ये देखना, चलो अभी मैं उतरा हूँ ना, मैं उसे कह रहा हूँ चलो। उसके बाद वो कह रहा कि भाई बंदे हैं, बंदे हैं। मैंने कहा भाई पता नहीं बंदे किधर आ गए। यहाँ पर एक और बंदा होता है, इसको भी हम गड्डी थले देते हैं। वैसे यार इसका फ़ायदा बहुत है, लेकिन फ़ायदा तब भी है कि जब आपके पास हो, अगले के पास होती है ना तो आपको कोई भी उड़ा सकता है। क्योंकि ये भाई आप अगर खुले जोन में घूम रहे हो ना तो कोई भी आपको मार सकता है। यहाँ पर एक और बंदा आया था, फिर मैं उतर के इसको उड़ाया। लेकिन यार सबसे बड़ा दुख साहब होता है जब कोई ड्रैगन को मार दे। उसके बाद यहाँ पर हमारे ड्रैगन मर गया था। फिर हम लोगों ने गड्डी फड़ी, गड्डी शड्डी में हम लोग घूम रहे थे कि सामने एक बंदा था, इसको मैंने मारने की कोशिश की। फिर मैं यहाँ उतरा प्रो प्लेयर बन के, यहाँ पर दो बंदे थे, तीन बंदे थे बल्कि। अभी देखना, एक ही आ रहा है, इसको मैंने नॉक किया। उसके बाद एक लेफ्ट साइड पर भी बंदा था और एक राइट साइड पर भी बंदा था। मैं चुप करके गाड़ी के पीछे हो गया। मैंने कहा भाई एम ई किधर मार मुड़ना चाहूँ, M24 निकाली। मैंने कहा अब ये पिक करेगा मैं इसको उड़ा दूंगा, लेकिन उसने पिक ही नहीं की। फिर इसके बाद मैंने यहाँ मोली फेंका, उतनी देर तक नंबर फोर पहुँच गया था। नंबर फोर ने प्रो प्लेयर अपना प्रो प्लेयर होने का सबूत दे दिया। उसने कहा भाई मैं तो बहुत प्रो प्लेयर हूँ, तुम लोग तो बच्चे हो अभी मेरे आगे। उसके बाद मैं यहाँ चाह रहा था कि वो जोन में मार जाता है और विनर विनर चिकन डिनर बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 100 दफ़ा मैंने तुम लोग कहा करो करो करो, बाय बाय।